अस्सलामुअलैकुम गाइस। वालेकुम अस्सलाम। तो गाइस क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये हमारा एक और व्लॉग है। सबसे पहले तो आप सब लोगों को ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो इस व्लॉग में आप सब लोगों को हम करते हैं वेलकम। तो भाई लोग, दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग आए हुए हैं आज यहाँ पे, ईद थी तो ईद की हम शुगल करने आए हुए हैं। हम आए हुए हैं यहाँ पे एक फार्म हाउस जो गडाप की तरफ ही है या गवादर की तरफ कहीं, हम वहाँ पे आए हुए हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे बॉयज़ हैं हमारे। तो सबसे पहले तो हमारे साथ ये दो बॉयज़ हैं, एक ये अनस और एक ये सुहेल। तो आपको दिखाते हैं हम इस फार्म हाउस में क्या क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। उम्मीद है कि सब अच्छा अच्छा करेंगे। तो चलें फिर आपको दिखाते हैं। तो भाई लोग ये हमने आपको दिखा दिया है यहाँ पे, इसका अंदर का इंडोर का दिखा दिया हमने आपको फार्म हाउस का कि कैसी लोकेशन है कैसा है। तो ये अब आपको बाहर का दिखाते हैं कि बाहर कैसा है। बाहर यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है, ये देखें यहाँ पे, ये हमारे ग्राउंड दिया हुआ है, ये गाड़ी खड़ी करने की जगह सही है। और ये सारे बॉयज़ चिल मार रहे हैं फुल। ये पानी भी तेरा। और ये उधर, ये उधर साहब है हमारे। तो होप्स हो कि आपको फार्म हाउस सही लगाओ। तो बाकी आगे जो शुगर वगैरह करेंगे वो भी हम दिखाएंगे, अभी थोड़ा सा चेंज वगैरह करेंगे। अच्छा। A few inches later. तो भाई फाइनली हम लोगों ने खाना वाना खा लिया। ये हमारे दोस्त हैं सैफ। तो भाई बिरयानी कैसी थी? ये है बिरयानी। या कैसी थी? ये क्या है भाई, बिरयानी कैसी थी? ये भी बिरयानी थी माशाल्लाह से, बहुत अच्छी बिरयानी बनी है और हम लोगों ने एक दफ़ा खा ली है, बहुत ज़्यादा बच भी गई है। इंशाल्लाह तकरीबन अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम पूरा अभी तो 11 भी नहीं बजे, इंशाल्लाह 3-4 बजे तक दोबारा खाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट था। फाइनली बिरयानी वगैरह हमने खा ली। अब हम ये सारे बॉयज खेल रहे हैं क्रिकेट वगैरह, अब सही करके शुगर लग रहा है सही है। ब्रेक के बाद हाँ अभी क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, फिर आपको शॉर्ट्स वगैरह दिखाते हैं। चलो 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 बोल गई यार। बहुत बहुत अलग भाग 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 इधर फील्डर ही नहीं है। अबे इधर दे। क्या जरूरत है आपकी सदाम? तो भाई लोग बॉयज हैं नहा रहे, हम मसल में मैं इसलिए नहा रहा क्योंकि भाई एक तो यहाँ पे मौसम बहुत VIP हुआ है, इस वजह से जो है ना ठंड भी लग सकती है। तो बॉयज़ हैं नहा रहे हैं तो हम तो नहा नहीं सकते। खैर एक दो अगर मारी तो मारी, एक दो डाइव मारूंगा वरना तो बिल्कुल भी नहीं। फिर आपको बॉयज़ का दिखाते हैं कि बॉयज़ नहा रहे कैसे। चलें 12 seconds later. तो भाई पूल वगैरह से फारिग होके सही है, अब जो है ना दोबारा भूख लग गई क्योंकि पानी जब स्विमिंग करते हैं आप लोगों को पता है तो जो है ना भूख लगती है। खैर मैं तो नहाया नहीं क्योंकि हवा चल रही है यहाँ पे, इस वजह से जो है ना मुनासिब नहीं समझा। ये शेफ साहब नहाए, बताओ क्या फीलिंग है भाई आपकी? यार थोड़ा सा नहाए और ठंड लगने, अभी ये गडाप साइड पर जो है ना थोड़ी हवा चल रही है तो थोड़ा सा नहा के फिर फौरन अंदर आ गए, अभी बिरयानी खा रहे हैं। तो भाई आपको पता है भूख तो लगती है, इसलिए देखें दोबारा हमने बिरयानी निकाली है। पहले तो बिरयानी दिखाई नहीं थी क्योंकि उस वक्त इतनी भूख लग रही थी, इतनी तेज़ भूख लग रही थी, बस हमने निकाली है। और किस तरीके से निकाली है मैं आपको बता नहीं सकता, प्लास्टिक की प्लेटों से हमने निकाली है, प्लास्टिक की प्लेटों में, क्योंकि हम लाना भूल गए इस वजह से। तो अब बस ये बिरयानी खाते हैं, ठंडी बिरयानी है इसको खाते हैं। अब इसके बाद फिर दूसरी एक्टिविटी करेंगे तो आपको दिखाएंगे सही है। 6.5 hours later. तो भाई लोग हमारा ये सुबह हो चुकी है, तो थोड़ा टाइम सो लिए थे क्योंकि थकन हो गई थी। तो और यहाँ का जो मौसम हो रहा है ना, यकीन करें मैं अभी ऊपर जाके छत पे जाके दिखा नहीं सकता, छत नहीं है क्योंकि सही है,
वरना मैं जो ना बिल्कुल सही तरीके से दिखाता, जो इर्द गिर्द जो मौसम हुआ है ना वो औसम तरीके से हुआ। खैर अब यहाँ पे बिल्कुल चलने की तैयारी है, अब जाके नाश्ता करेंगे किसी रेस्टोरेंट पे, सही है। तो बस अब यहाँ पैकिंग वगैरह चल रही है, मज़ा आया, इन्जॉय किया है, सब जितने भी लड़के लपाड़े थे सबने इन्जॉय किया है। तो अब जाते हैं रेस्टोरेंट, आपको दिखाते हैं फिर रेस्टोरेंट में। भूख तो लग रही है क्योंकि बिरयानी खा ली थी, उसके बाद दो दफ़ा बिरयानी खाई है क्योंकि भूख लग रही थी, वो एंड हो गई थी। तो अब बस जाके नाश्ता करेंगे क्योंकि भूख लग रही है, साथ जो है ना कुछ पियेंगे वगैरह भी क्योंकि पानी हम लाए नहीं थे, कोल्ड ड्रिंक से काम चलाया, प्यास की बुझाई है। तो बॉयज़ ने मज़ा किया फुल, बाकी आपको बॉयज़ से भी बताते हैं किस किसने मज़ा किया किसने नहीं किया। चलें तो भाई लोग अब रास्ते के फार्म हाउस के बाद हम यहाँ पे आ गए हैं इधर नाश्ता करने, सुराबपुर के करीब, सही है। तो सारे बॉयज़ यहाँ पे बैठे हुए, फुल शुगर लग रहा है ये देखो, और ये शेफ बैठा हुआ है बराबर में ही, सबको लग रही है इस वक्त फुल वीआईपी वाली भूख, और जो है ना सब बेताब हुए हैं नाश्ते के लिए। नाश्ता भी आ चुका है, ये देखो रखा जा रहा है नाश्ता आराम आराम से। तो नाश्ता करते हैं और उसके बाद आपको रिव्यू देते हैं बॉयज़ का कि नाश्ते के बाद क्या फीलिंग है, सही है। फिर इंशाल्लाह उसके बाद घर जाने की तैयारी होगी, नाश्ते के बाद आपको जो ना बॉयज़ से मिलवाते हैं और बताते हैं क्या क्या कैसे मज़ा आया, फार्म हाउस में मज़ा आया, कहाँ कहाँ मज़ा आया, किस चीज़ में मज़ा आया, सही है। तो उसके बाद आपको दो भाई लोग नाश्ता वगैरह कर लिया हमने, अब चाय चली है बस, और अब चलो अब टाइम है इन सबका रिव्यू लेने का। तो भाई लोग कैसा लगा? बहुत मजा आया। क्या क्या भाई अब्दुल्ला कैसा लगा? भाई शेफ साहब तो हो गए बिजी, हम एक बंदे से और रिव्यू लेते हैं। हाँ भाई शेफ कैसा लगा? वीआईपी लगा, पहला होटल पे आए विजिट कर रहे हैं, वीआईपी नाश्ता वगैरह यहाँ पर सही है, फैमिली को भी लाए ये इसने यहाँ की प्रमोशन कर दी है, हालांकि ये प्रमोशन नहीं थी, रिव्यू लेना था। खैर सबको बहुत मज़ा आया और वीआईपी वाला मज़ा आया। तो इसी मज़े के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। तो अगले व्लॉग तक के लिए आप सब लोगों को अल्लाह हाफ़िज़।